Hey guys, this is Abhishek Patidar. Welcome to Abhishek Pictures. Today we are gonna talk about underwater concept artwork. कितना सिंपल है. अब बस मुझे इसको कुछ 15-20 बार रटना है बस. उसके बाद तो ये याद हो ही जाएगा. तो एक काम कर लेता हूँ, मैं इसको रट लेता हूँ. चल ठीक है. नमस्ते दोस्तों, दिस इज अभिषेक पाटीदार. वेलकम टू अभिषेक पिक्चर्स. तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे मैंने अपने फोटो में अंडर वाटर आर्टो वाला इफेक्ट दिया था और कैसे आप भी अपने फोटोज कॉन्सेप्ट आर्ट या फिर मैनिपुलेशन में वो चीजें यूज कर सकते हैं. तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहले आप इसको क्रॉप कर लीजिए. तो उसके लिए आप ड्रॉ टूल में जाइए. ड्रॉ टूल में जाने के बाद आप सबसे पहले जो इसको एक लेयर अप कर लीजिए. देन आपको इरेज मोड चूज़ करना है और अकॉर्डिंगली आपको इसको रिमूव कर लेना है. इतना सब होने के बाद आपको ये वाला जो बैकग्राउंड है इसको इंस्टाग्राम वाली साइज़ के हिसाब से क्रॉप कर लेना है. देन आफ्टर आपको जो क्रॉप्ड इमेज है उसको यहाँ प्लेस करना है. और अब इसको मैं इस फोटो के साथ ब्लेंड करने के लिए सबसे पहले इसकी ओपेसिटी कम करूँगा. देन मैं इसको रब करूँगा. देन आफ्टर मैं इरेज वाले सेक्शन में जाकर इसकी जो हार्डनेस है उसको अराउंड 30 के आसपास रखूँगा ताकि ये जो फोटो है उसको ज़्यादा अच्छी तरीके से ब्लेंड कर दे. देन आफ्टर आपको इसका एडजस्ट चेंज कर लेना. नाउ अब इस फोटो को मोर रियलिस्टिक टच देने के लिए मैं ये वाला PNG यूज करूँगा, दैट बबल. अब आप इसको अकॉर्डिंगली सेट कर लीजिए. जहाँ जहाँ मैं सबसे पहले एक मेरी बैक पे करूँगा, देन ऑन माय लेग्स और फिर हाथों पे, ताकि इट विल लुक दैट आई एम सिंकिंग. देन आपको स्टिकर सेक्शन में से ये बबल ले लेना है और इसको अपने फेस के पास प्लेस कर देना है. नाउ योर फोटो इज क्वाइट रेडी. अब आप इसको लाइटरूम में ले जाकर इसकी रिटचिंग कर सकते हैं. तो मैं लाइटरूम में ऑलरेडी इसको रिटच कर चुका था, तो मैं यहाँ पे सारी सेटिंग्स पेस्ट कर रहा हूँ. यू कैन एडजस्ट इट अकॉर्डिंग योरसेल्फ. दिस इज द फाइनल रिजल्ट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.